आस्था, श्रद्धा और विश्वास के इस महापर्व यानी कुंभ में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रवि भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। गंगा के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा कुंभ वर्ष आज से शुरू हो रहा है। इस वर्ष देश विदेश से अमृत गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे, हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे, मां सरयू के साथ मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। कई लक्खी महापर्वों से वर्ष भर जीवंत रहने वाली धर्म नगरी एक नए साल में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सज रही है, समर रही है, पलके बिखेर रही हैं, क्योंकि तैयार हो रही है हर की पैड़ी महाकुंभ पर्व यानी हरिद्वार कुंभ के साल 2021 के लिए। वर्ष का मुख्य आकर्षण शताब्दी का दूसरा पूर्ण कुंभ होगा। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद उम्मीद है कि विश्व भर के श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे। ग्रहों की चाल के चलते यह कुंभ 12 वर्ष के बजाय 11वें वर्ष में ही बेशक क्यों ना पड़ रहा हो, लेकिन कुंभ में श्रद्धालुओं को लेकर उत्साहवर्धक अभी भी उत्साह उनका बढ़ रहा है। कुंभ मेला काल में 48 दिन का होने वाला है। बृहस्पति और सूर्य के संयोग से बने कुंभ पर कुल 4 शाही स्नान होंगे। इन स्नानों पर 13 अखाड़े लाखों की श्रद्धा में जमात निकालकर साधु संत, नागा साधु, संत महंत, ऋषि मुनि, महान पुरुष, दिव्य आत्मा स्नान करेंगे। हर की पैड़ी पर जमात निकलेगी, ढोल नगाड़ों के साथ कुंभ की शोभा बढ़ेगी। कुंभ में कई लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे, साथ में नागा साधुओं का भी जमावड़ा होगा। वैसे तो पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि को है, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और तीसरा और मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल को है। मेष संक्रांति मर पड़ेगा ये 14 अप्रैल वाला कुंभ का शाही स्नान। तीनों स्नानों पर 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जबकि चौथा शाही स्नान बैसाख पूर्णिमा के 27वें दिन यानी 27 अप्रैल को पड़ेगा। लेकिन उस स्नान पर केवल बैरागियों की 3 अड़ियां स्नान करेंगे, यह स्नान सन्यासी अखाड़े वाले नहीं करते हैं। हरिद्वार कुंभ को लेके काफी उत्साह है, दर्शक के साथ दर्शनार्थी भी काफी उत्साहित हैं। पतित पावनी माँ गंगे की गोद से निकली हरिद्वार के निर्मल गंगा में हरिद्वार पहुंचकर कुंभ में कई भक्तों, कई सैकड़ों लाखों करोड़ों भक्तों स्नान करेंगे। हरिद्वार कुंभ का आयोजन बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि के आने पर होता है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मेष राशि में आते हैं, जबकि बृहस्पति प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ राशि में आते हैं। इस बार 11वें वर्ष आगामी 5 अप्रैल को आ रहा है। कुंभ के मुख्य स्नान पर्व 14 अप्रैल को बना है, योग बना है, एक महीने तक बना रहेगा, यह साल उत्सवों से भरा रहेगा। साल 2020 बेशक खत्म हो गया हो, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कई श्रद्धालुओं ने अपने अपने तौर तरीके से स्नान ना किया हो, पूजा पाठ ना किया हो, लेकिन श्रद्धा से भरे इस पर्व यानी 2021 के इस महाकुंभ में श्रद्धालु उत्सुक हैं डुबकी लगाने के लिए। माँ पतित पावनी गंगा की गोद में अपने आप को अविरल धाराओं में मनवांछित कर देने के लिए। कुंभ मेले को खास बनाने के लिए सरकारें भी दम और जी जान से लग चुकी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि संत महापुरुषों के ताप और बल से कुंभ मेला सकुशल और व्यापक रूप से संपन्न होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर कदम उठा रही हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कुंभ थोड़ा सा फीका हो सकता है, लेकिन वैक्सीन आने से हो सकता है कि कुंभ में 4 चांद लग जाए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं था रवि भट्ट, आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या। धन्यवाद। जय कुंभ, जय हरिद्वार।